भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबलों के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर दबाव होता है। दोनों टीमें जीत करने के लिए अपना सब कुछ लगा देती हैं, लेकिन प्रशंसक निराश तब होते हैं जब अंपायर कोई चूक कर देते हैं और टीमों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा ही वाक्य रविवार को दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मुकाबले में हुआ, जिसमें भारतीय पारी के दौरान अंपायर ने बड़ी भूल कर दी। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शाहीन अफरीदी के खिलाफ बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 8 गेंद में 3 रन की पारी खेली, लेकिन बाद में पता चला कि जिस गेंद पर राहुल को अंपायर ने आउट करार दिया वो नो बॉल थी। देखिए इस वीडियो में। टीम इंडिया को पाकिस्तान के हाथों रविवार को खेले गए T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को पाकिस्तान ने 10 विकेट से हरा दिया और इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान का ये फैसला एकदम ठीक रहा और टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल बिना कुछ करे ही आउट हो गए। रोहित तो शाहीन शाह अफरीदी की एक खतरनाक गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन राहुल को आउट दिए जाने में मैदानी अंपायर से एक बड़ी गलती हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ केएल राहुल फ्लॉप रहे, उनका शिकार शाहीन शाह अफरीदी ने ही किया। राहुल 3 रन बनाकर बोल्ड हो गए, लेकिन ट्विटर पर अब भारतीय फैंस आवाज उठा रहे हैं कि केएल राहुल को एक 9 बॉल पर आउट दिया गया है। जिस गेंद पर राहुल बोल्ड हुए उसमें देखा जा सकता है कि गेंदबाज शाहीन अफरीदी का पैर क्रीज से थोड़ा आगे था। टीम इंडिया को राहुल से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अंपायर की ये गलती राहुल के लिए नाइंसाफी साबित हुई। अंपायर की ये लापरवाही टीम इंडिया को मैच के नतीजे में काफ़ी भारी पड़ गई। राहुल को एक नो बॉल पर आउट दिए जाने पर ट्विटर पर फैंस जमकर भड़के हैं। अंपायर के ऊपर फैंस ने जमकर अपना गुस्सा निकाला है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और साथ ही अंपायरों की क्लास लगा रहे हैं। दरअसल राहुल करारी फॉर्म में थे और उनका ऐसे आउट दिया जाना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तान का गेंदबाजी का फैसला एकदम सही रहा, क्योंकि मैच के पहले ही ओवर में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा को आउट कर दिया। रोहित सबसे पहले ओवर की चौथी गेंद पर गोल्डन डक आउट हो गए और साथ ही रोहित का 0 पर वापस जाना भारतीय टीम को बाद में भारी पड़ा। दरअसल रोहित शर्मा और केएल राहुल के 6 रन के स्कोर तक पवेलियन लौटने के बाद भारतीय टीम को विराट कोहली और ऋषभ पंत की जोड़ी ने टीम को परेशानी से उबारा। भारतीय टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 151 रन बनाने में सफल रही। साथ ही विराट कोहली ने 57 और पंत ने 39 रन की पारी खेली।